नमस्ते नमस्ते, आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज की ताजा खबर मुंबई की ट्रैफिक का बहुत बुरी है। हमेशा की तरह 0 और 1 के बीच की स्पीड में हम चल रहे हैं। अभी रुके थे, अभी चल रहे हैं 1 की स्पीड पे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बड़े लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं जी। साथ में है हमारे प्यारी प्यारी पपी लव। 800 किलोमीटर आज चलाना है। अभी बजे हैं 2, तो देखते हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंचते हैं, कहां जा रहे हैं, आगे बताते हैं आपको जैसे ही हम मुंबई के ट्रैफिक से निकल जाएं। दिखाइए मुंबई का ट्रैफिक। और जब तक आप मुंबई का ट्रैफिक, जो कि वर्ल्ड फेमस है बेंगलुरु के बाद, आप क्यों नहीं कर लेते हैं सब्सक्राइब। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लोनावला के फूड मॉल हमारे प्यारे प्यारे मेहमान के साथ, जो हमारे साथ कर रहे हैं रोल ट्रिप। हम कहां जा रहे हैं ये आपको बताता हूं। पहले मैं खाने के लिए कुछ लेके आऊं, तब तक आप सैंडी से बात करिए। मेरे लिए बर्गर लेके आओ करण, और आप तब तक करिए सब्सक्राइब। ऑलराइट, दोपहर की गर्मी में हम खा रहे हैं यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स, और मैं पी रहा हूँ कॉफी हमेशा की तरह। हाय सैंडी। और मैं, और आप हमेशा की तरह चाय पी रहे हो। तो चाय कॉफी तो हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जा रहे हैं बेलारी, जो यहाँ से लगभग 750 किलोमीटर दूर है, और हमको और लगभग 13 घंटे कार चलानी है। लंबी जर्नी है। तो 13 घंटे की लंबी जर्नी है, और हम रात को शायद 4:30-5 हो, तो अगला दिन ही हो जाता है। तो दिन में सुबह 4-5 बजे पहुंचे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आप क्या बोलते हो? अच्छा, ये देख रहे हो आप कितनी गर्मी है, ब्लोअर का हवा खा रही है, ऐसे ऐसे हो रही है। क्या गर्मी है, क्या गर्मी है। तो आ चुके हैं हम लोनावला की पहाड़ियों पे, और यहाँ पे जम कर ट्रैफिक जाम है। पता नहीं कि उस साइड वालों को रोक के रखा था, और अब उनको छोड़ा है, तो आप देखिएगा उस साइड से ऐसे लोग आएंगे जुब 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 जुब। अब यहाँ से इतनी भीड़ होगी, तो पता नहीं हमको भी ऐसे रोक के ना रखें। मुंबई के ट्रैफिक के बाद हम फंसे हैं लोनावला के ट्रैफिक में। उम्मीद तो यही है कि हम यहाँ से जल्द निकल जाए। यहाँ पे भी हम एक दो के स्पीड पे चल रहे हैं। अरे, ये तो बहुत ही छोटा सा ना के बराबर ट्रैफिक था, इनकी तरफ बहुत ट्रैफिक था। So, खाली रास्ता मैंने बोला मिल गया, लेकिन आई डोंट थिंक मिला है। आगे भी स्लो है, लेकिन इतनी स्लो नहीं है, तो चलते रहते हैं। और उम्मीद यही है कि रास्ते खाली हों, और हम कल सुबह पहुंच जाएं, ऐसा ना हो कल रात को पहुंचे। सब्सक्राइब। तो अब हम आ चुके हैं पुणे। पुणे की ट्रैफिक में हम फंसे हुए हैं, पहले मुंबई, उसके बाद लोनावला की घाटियों पे, और अब पुणे की ट्रैफिक। तो हमने सोचा है इस रोड ट्रिप में हम सब सिटी की ट्रैफिक को एक्सपीरियंस करें, और पुणे की ट्रैफिक भी अच्छी खासी है मुंबई की तरह, बट थैंकफुली इट्स मूविंग ट्रैफिक। तो हम यहाँ पे धीरे धीरे करके निकल रहे हैं आगे बेंगलुरु की तरफ। हम जा रहे हैं बेलारी, बेंगलुरु नहीं, लेकिन उसी हाईवे से आता है बेलारी। क्यों जा रहे हैं आगे बताते हैं। तो फाइनली हम पुणे की ट्रैफिक को पीछे छोड़ा है, और अब हम जा रहे हैं सतारा की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं टनल के अंदर, और मुलाकात होगी टनल के उस पार। और टनल के अंदर के जो रास्ते भी हैं इतने अच्छे नहीं है, मतलब काफी सारा पैचवर्क है, तो कार ऊपर नीचे नाचे ऊपर होती हुई जा रही है। तो आ चुके हैं हम अब सतारा की तरफ। जी हाँ, टनल से हम बाहर निकल चुके हैं, और ये रास्ता अब हमको ले जाएगा सतारा की तरफ। तो मिलते हैं आपसे सतारा में, तब तक आप कर लीजिए सब्सक्राइब। तो सतारा घाट शुरू होने वाला है। हम रुके हैं विठल कामत के यहाँ पे, और पहले लव पियेंगी पानी, बहुत प्यास लगी है इनको। मैराथन, हाँ, ऐसी पूरी बोतल चट कर देंगी, और फिर कार में करती रहेंगी सुसु। तो मेरे पीछे है विठल कामत, और यहाँ पे शुरू होता है सतारा घाट। यहाँ से ये इनका चौथा ग्लास है, कटोरी है पानी की, तो ये पानी पीते जा रही है। तब तक मैं सैंडी के चाय का ऑर्डर देके आता हूँ, मिलते हैं। ऑलराइट, सो मैंने अभी चाय ऑर्डर कर दी, और लास्ट से मुझे याद है मैंने ये वाले दुकान से कुछ लिया था खाने के लिए। हाँ, इस पर रख दी। ये आ गई सैंडी की चाय। तो सैंडी की चाय तो आ गई, बस अब हो रहा है इंतज़ार सैंडी का। सैंडी को पसंद है गर्मा गर्म आग चलती हुई चाय, जैसे कि चाय इसको मिलने वाली है। इसको पीनी है क्या चाय? ऐसे ही लग रही है आपकी चाय वहाँ पे पड़ी है। इसको ना भौंकने की अभी ना बीमारी हो गई, जिसको भी देखती है सब पे भौंकती है। क्या हो गया ऐसा? क्यों सब पे क्यों भौंक रही है?
है ना सैंडी, आज के लिए सबसे बहुत भौंकती है, पहले बहुत अच्छी थी, किसी पर नहीं भौंकती थी, अभी अचानक सब पे भौंकती है। हाँ, अभी बैड गर्ल हो गई है। लाइए। ऑल राइट सैंडी, हाय। तो आपकी चाय खत्म? डन, थैंक यू। अच्छा था, अच्छा था। तो लवली को भी कुछ कहना है। आई लव, आई लव। राइट, सो अभी सैंडी ने पी ली चाय, मैंने पी ली सैंडी की थोड़ी सी बची हुई चाय और मेरी कॉफी, और लव ने पिया है पानी काफी सारा, और अब हमारा टाइम हो चुका है कहाँ पे, सतारा घाट जाने का। सतारा ये अभी कूल हो गई है ना, अभी नहीं भौंक रही, नहीं, हाँ, वरना हाँ, पहले बहुत भौंक रही थी। हाँ, और धीरे 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 यूज तो हो रही है। हाँ। जो कि अच्छी चीज है, गुड फॉर हर, अच्छी चीज है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, और अभी हमको होना चाहिए था सतारा के आसपास। कोई बात, हम थोड़ा दूर हैं सतारा से, कोई बात नहीं, हम लोग ग्राउंड कवर कर लेंगे, नहीं तो उड़ा के ले जाएंगे, है ना सैंडी, करण का फ्लाइट जी। और तो चले यहाँ से, चलो चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेता हूँ, आई विल चेक द कैन का, इधर है कचरे का डब्बा है। या क्या बोल रही है लव? लव आपको ढूंढ रही है। चलें आगे, चलें घाट पे, चलिए। अब हम जा रहे हैं सतारा के घाट पे, आप देख सकते हैं सतारा का घाट शुरू हो रहा है वहाँ पे, और ये घाट मुझे, ये वाला जो घाट है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे वन साइड ट्रैफिक ही है, तो मुंबई जाने के लिए अलग रास्ता है उस साइड से, तो यहाँ पे सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, वो बहुत अच्छा लगता है, तो आप बिना टेंशन के आराम से चला सकते हो, वरना हमेशा रहता है सामने से कोई आ तो नहीं जाएगा, स्पेशली वो ब्लाइंड स्पॉट्स में। तो लव बताइए आपको कैसा लग रहा है, वो तो सोच लव झूल रही है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लव हो रहा है ऐसे ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, इसको बोलते हैं हार्ट, लवली लवली लवली। तो वो देखिए, आप वहाँ पे बस जा रही है ऊपर, तो हम ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे। आज मैंने इतना सारा कॉफी पिया है ना, सुबह उठ के मैंने घर पे दो कप कॉफी पिया, उसके बाद मैंने मैकडॉनल्ड से दो कैपेचिनो उठा लिए, और दोनों मैंने खत्म कर दिए, और अभी अभी मैंने घाट शुरू होने से पहले मैंने दोनों कॉफी, मतलब जो लास्ट कॉफी थी वो खत्म कर दी। तो अब मुझे लग रहा है यार बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है घाट पे, मुझे यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट पहली बार थोड़ा सा ना यक नॉसिएटिक। तो अब सैंडी और मैंने च्युइंगम खा लिया है, तो इससे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, च्युइंगम चबाओ नौजिया भगाओ, अच्छा हो गया राइमिंग, च्युइंगम चबाओ नौजिया भगाओ। हम एक आध बार ना यहाँ पे आगे जहाँ पे पार्किंग स्पेस है वहाँ पे रुके भी हैं पिछले ट्रिपों में, और हमने यहाँ पे वीडियोस भी शूट किए हैं, लेकिन इस ट्रिप में हमारा कोई प्लान नहीं है इस ड्राइव में यहाँ पे रुकने का, क्योंकि हमको बहुत आगे जाना है, किलोमीटर्स काफ़ी सारे कवर करने, और जितने हम ज़्यादा स्टॉप्स लेंगे उतना हम ज़्यादा लेट पहुँचेंगे। तो ये देखिए, दिस इज, ये टर्न में बहुत ध्यान से जाना पड़ता है, तो हम रश नहीं करेंगे। अच्छा चलो, बस वाले बोल रहे हैं आप जाओ, तो हम चले जाते हैं, और यहाँ पे लेन थोड़ा सा छोटा हो गया, और अभी टाइम आ चुका है हॉर्न कम अपर डिपर ज्यादा यूज करने का, क्योंकि ये वैसा समय है जहाँ पे सन सेट हो रहा है, और ये वाला जो स्पॉट था हम यहाँ पे रुके थे पहले, यहाँ पे देख सकते हैं आप लेफ्ट में काफी अच्छी खासी पार्किंग थी, हम दो बार वहाँ पे रुक चुके हैं पिछले ट्रिपों में, और ये अच्छा कर रहा है, ये ना अभी ओवरटेक नहीं कर रहा है, क्योंकि टर्न पे ऐसे तीन वो एक साथ जाएं मुझे हमेशा रिस्की लगता है, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए लेन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली बहुत हैवी व्हीकल्स हों उनके लिए, तो मैं ऐसे टर्न्स पे कभी ओवरटेक नहीं करता, प्रेफर नहीं करता, वेट करता हूँ थोड़ा रास्ता सीधा मिले तो उसके बाद ही ओवरटेक करूँ। तो घाट खत्म हो गया, ऊंचाई खत्म, अब हमको जाना है नीचे की तरफ, तो मैंने इनको बोला है कि आप स्लो चल रहे हैं तो मुझे जाने दीजिए, तो ये रुक गए, इन्होंने बोला आप चले जाइए, और ये देखिए अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, राइट टाइम, सन अभी अभी सेट हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है ना सन माउंटेन्स के यहाँ पे, एकदम थोड़ा सा चिंटू, और मुझे लगता है इस बार उन्होंने यहाँ पे पेंट भी कर दिया है मार्किंग्स,
जो कि अच्छा है, पहले नहीं थी ये मार्किंग सारी, तो इस बार ये मार्किंग्स पेंट हो चुकी हैं, तो रात को अच्छा है, ज़्यादा विजिबिलिटी और लोगों को ध्यान में भी आए कि भाई आप बहुत ही एज पे चला रहे हो। ये है सतारा का घाट। जी हाँ, सतारा घाट हम ऊपर पहुँच के नीचे भी आ चुके हैं। छोटा सा प्यारा सा घाट है और वन वे है, तो बहुत ही आप बिना टेंशन के चला सकते हो। और हम घाट से नीचे उतर चुके हैं, अब जाते हैं सतारा सिटी की तरफ, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा कोल्हापुर। कोल्हापुर के आगे, टोल के आगे एक नई अच्छी जगह खुली है, फूड मॉल, हम वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे खाएंगे। तो आपसे मिलते हैं आगे, देखिए आगे, सब्सक्राइब कीजिए, विल सी यू, बाय बाय। तो अभी हम रुके हैं कर्नाटक बॉर्डर के पास और यहाँ पे डीजल भरवा रहे हैं, ₹1000 का बना। व्हाट? से बोलो। हाँ बोलो बोलो, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? बोल चाहिए। हाँ वाओ, अच्छा भरेंगे हम डीजल। तो मेरा प्लान था कर्नाटक पहुंच के डीजल भरवाने का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन मेरी टैंक ऑलमोस्ट खाली हो गई है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा भरवा रहा हूँ और आगे जाके फिर फुल टैंक करवाऊंगा। अभी सो गई, भौंकते भौंकते सो गई, चिल्लाई बस हो गया, मैंने सबको डरा दिया। दोस्ती करना है ना इसमें। हाँ, लेकिन डर जाते हैं, ऐसे ऐसे नहीं होती है दोस्ती। उठ गई फिर, उठ गई बात करने के लिए, बात करने प्यार से भौंकना चाहिए ना। हाँ बस ऐसे ही बुलाती है। थैंक यू। ऐसे नहीं होता मुझसे दोस्ती करोगे, ऐसे तो होता है मुझसे दुश्मनी करोगे। हाँ ना। चलो अभी हम आगे जाते हैं, ऑलमोस्ट कर्नाटक बॉर्डर के आसपास हैं हम, तो वहाँ पे हम वो फूड मॉल, बड़ा जो बोलते हैं अपने आपको, जो सबसे लार्जेस्ट फूड मॉल है, वहाँ पे चलते हैं, कुछ खाते हैं, भूख लग रही है, सुबह से एक बर्गर और चार कॉफ़ी खाई है, और फिर वहाँ पे डीजल भरवाते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं कोल्हापुर के फूड हब में, और यहाँ पे क्योंकि हमारे साथ आज एक मेहमान है जो अंदर नहीं जा सकते, तो हम बाहर आज कार पे खा रहे हैं, राइट सैंडी? Yes. तो ये है हमारा, ये हमारा लंच टेबल, नहीं डिनर टेबल, में लंच टेबल में, एक्चुअली तो लंच ही हमारा। जी हाँ, और ये है वो फूड मॉल जो करण को बहुत पसंद है, और मुझे पसंद मतलब मसाला चाय भी पसंद। हाँ, है। मैंने बोल कि मेरा कूपन मेरे पास पड़ा है आपके चाय का। Really? मैंने उनको बोला बाद में देने। Wow, thank you. तो मैं खा रहा हूँ गर्मा गर्म, नहीं ठंडी ठंडी इडली, और सैंडी खा रही है गर्मा गर्म दाल मखनी। इट्स अ नाइस प्लेस, वहाँ पे आराम से बैठ के वहाँ पे भी खा सकते हो, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी डॉगीज हैं इस फूड मॉल में, सब मेरे पीछे पीछे आ गए। अब सैंडी की चाय लेके आता हूँ, सैंडी की चाय मिलेगी हमको यहाँ पे अन्ना इडली में। तो हमारे बाहर खाने का प्लान पूरा चौपट हो गया, हम खा ही रहे थे और ये सारे डॉगीज हमारे पीछे आ गए, और लव आज बहुत ही भौंकने वाले मूड में, तो सबको भौंक भौंक के वो डराने की कोशिश कर रहे थे, तो और सारे पीछे आ गए, और स्पेशली आई थिंक उनको खाना भी दिख रहा था, उनको भूख भी लगी थी, तो फिर हमको ये इतना भौंक रही थी तो हमको अंदर खाना पड़ा, तो अंदर बैठ के खाया हमने। Cheers! Cheers! और चाय भी अंदर पी जा रही है। चाय, cheers! अरे वो यहाँ पे डस्टबिन है, तो मैं सामान तो खाली कर दूँ। इधर भी बहुत है जी। आजकल मैं अंदर कुछ नहीं रखता चूहों की वजह से, एक चूहा लगता है कार साफ रखने के लिए। हाय लवली लवली लवली, क्यों भाई आज इतना क्यों भौंकना है? सैंडी की चाय खत्म हो गई ऑलमोस्ट, और अब मेरा मन कर रहा है कॉफी पीने का, सोच रहा हूँ ले लूं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, कोस्टा है और मैं कैफे है, और आगे शायद कुछ ना मिले, तो ये मेरा बेटा गो फॉर इट। हाँ, और थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, और अभी तो जर्नी बहुत लंबी है, ऑलमोस्ट कितने अभी, आई थिंक 10 घंटे की जर्नी बाकी है, तो बहुत लंबी जर्नी है, डीजल भी भरवाना है, तो सोच रहा हूँ या तो वो ले लूँ या फिर कोक ले लूँ, डाइट कोक, तो रात को पीता रहूंगा, पता नहीं जो मुझे सही लगे। सैंडी बोल रही, ठीक है देखते हैं चलो, बट आपसे आगे बातचीत होगी। आपको कुछ बोलना है, आपको भौंकना है, इनको दिखाना आप कैसे भौंकते हो। 1 2 3 अच्छा ऐसे लगता है जब आप भौंकते हो, आप समझ में, आपको भी गुस्सा आ रहा होगा ना, दूसरों को भी ऐसे गुस्सा आता है जब आप ऐसे करते हो। यहाँ से इस ये खिड़की जब खुलेगी तब मेरे हाथ में दो कॉफी आएंगी। तुली पूछ रही है, क्या पूछ रही है? मेरे को खाना कब मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, आपको भी मिलेगा, सबको मिला है तो आपको भी मिलेगा। सो उसी मॉल में है मैकडोनल्ड्स, तो हम यहाँ से अभी कॉफी लेने का वेट कर रहे हैं। ये जो खिड़की है यहाँ से मेरी कॉफी आएगी। अरे आई विल कॉल यू बैक, ठीक है।
तो इस खिड़की से मेरी कॉफी आएगी और लव बोल रही है मेरा खाना कब मिलेगा। आपका भी मिलेगा मैम, आपका भी मिलेगा, बस इंतजार कीजिए। तो अभी आई थिंक रात के कितने 10:30 हुए हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा स्लो जा रहे हैं। हाँ थोड़ा स्लो जा रहे हैं, जो मैंने सोचा था उस हिसाब से। ओके। अरे भाई आपके लिए कॉफी है, लो ना। ये बोल रही है इसका खाना कब आएगा। मुझे टिश्यू पेपर चाहिए। हाँ वो नहीं चाहिए, शुगर नहीं चाहिए। नहीं करी आपसे पूछ रही है इसका खाना कब आएगा। इसको भी मैकडॉनल्ड से आपके लिए अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है। थैंक यू। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से। ये देख रही बड़ी उम्मीद की नजरों से वहाँ पे, यहाँ पे मुझे भी कुछ मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, अभी थोड़ी देर में आपको भी मिलेगा खाना। अभी बजे हैं रात के 2:30 बजे हैं और हम हुबली क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ से अभी लगभग 4 घंटे का रास्ता है। हम थोड़ी देर सो गए थे आराम से सब लोग। हमारी लवली कहाँ है, वहीं पे है क्या? लवली किधर है? अच्छा। I love. सो रही है। So, हम सब थोड़ी देर सो गए थे यहाँ पे साइड में कार लगा के और अब हम जर्नी कंटिन्यू करते हैं। 4 घंटे में पहुंच जाएंगे तो आई थिंक अभी तो ये मोस्टली नॉन स्टॉप ही होगा। खाली से रास्ते हैं, दूर दूर तक हम देखें तो कोई नहीं है। अभी बजे हैं रात के 4 और हम हॉस्पिटल के पास पहुंचे हैं। यहाँ से और 2 घंटे का रास्ता बाकी है। मैं निकला हूँ बाहर थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए। आहा मजा आ गया। जैसे आप देख सकते हैं रास्ते पूरे खाली खाली से हैं, खाली खाली से हैं रास्ते। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ के रास्तों की, खाली मिलते हैं हमेशा, ट्रैफिक नहीं होती, ट्रक की ट्रैफिक नहीं होती है। तो ये है लव। हाय लव। तो इसकी नींद तो अच्छी हो गई, आई थिंक काफ़ी सोया उस, काफ़ी अच्छे से सोई थी पीछे, तो आई थिंक उसको पीछे ही अच्छा लगता है, आराम से सो गई, उसको अच्छी खासी जगह मिल जाती है, तो इसलिए सैंडी भी पीछे सोई है ताकि ये आराम से सो जाए। अभी 2-2.5 घंटे की जर्नी बाकी है। हाय। सुबह के बजे हैं 6:30। गुड मॉर्निंग। चलिए एक सेकेंड आप आइए। हेलो। तो अभी बजे हैं सुबह के 6:30, हम 1/2 घंटा दूर हैं, इसको 3rd time वॉकिंग करवा रहे हैं। मैडम आज हाईवे पे वॉकिंग कर रहे हैं। इसी के साथ आज का ब्लॉग यही खत्म होता है, आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। सब्सक्राइब, बाय। कर्नाटक में ऐसा लग रहा है विंटर्स हैं और मुंबई में हमारे अभी समर्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्लाइमेट इतना ठंडा लग रहा है बाहर निकल के। एसी हमने बंद कर दिया था तो एसी तो बंद ही रहेगा। मुंबई में विंटर्स कब आएंगे पता नहीं, बट चलो अब चलते हैं। दैट्स द एंड ऑफ द व्लॉग। मिलते हैं कल।